नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका राजपूत स्वागत करती हूँ आपका सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते आज की ताजा तरीन खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट जिले में बब्बर सेना नायक की निकली विशाल अंतिम यात्रा। एक धर्म प्रेमी को जिले वासियों ने खो दिया। बब्बर सेना प्रमुख की अंतिम यात्रा में नगर पुलिस छावनी बना। जब पूरा शहर गम के माहौल में डूबा हुआ था, सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने गमगीन शांतिपूर्ण माहौल के साथ अंतिम यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया। हम आपको बता दें कि बब्बर सेना प्रमुख एवं धार्मिक संगठनों से जुड़े हिंदुवादी नेता महाकाल भक्त पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे की प्राण घातक हमले में उपचार के दौरान मौत हुई। पार्थिव शरीर को 3 मार्च की रात्रि लगभग 9 बजे कोसमी लाते ही समर्थकों में आक्रोश का बांध फूट पड़ा और कोसमी के पीपल चौक पर तोड़फोड़ के साथ पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी और पत्रकार भी घायल हो गए। दंगा शांत हुआ और दूसरे दिन गमगीन माहौल और शांतिपूर्ण तरीके के साथ 4 मार्च को उनकी इच्छानुसार अंतिम यात्रा के साथ चुनरी यात्रा निकालकर समर्थकों ने बंदरझरिया में अंतिम संस्कार किया। जहां दोपहर के समय अंतिम यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे, उन्होंने भी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी और गमगीन माहौल में जय अम्बे के जय घोष भी लगे। साथ ही अंतिम यात्रा में पुलिस की छावनी बनी, जहां चौक चौराहों पर तैनाती रही। हम आपको बता दें कि डाली दमाहे बब्बर सेना प्रमुख व पूर्व जिला पंचायत सदस्य का नेतृत्व किया और उन्होंने जिले से कावड़ यात्रा, चुनरी यात्रा, शिव बारात सहित गुप्तेश्वर महादेव के प्रति आस्था रखी। उन्होंने युवा वर्ग को धर्म प्रेम के रास्ते जोड़ा रखा था और समाज सेवी का भी बखूबी से नेतृत्व किया। उन्होंने बालाघाट से सरेगा रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज बनाने की मांग लगातार की। कावड़ यात्रा में युवा वर्ग को धर्म के रास्ते पर चलाया, जिससे उन्हें आज नहीं कल नहीं हर हमेशा धर्म प्रेमियों में याद रहेगा, जो भूला नहीं पाएंगे। इधर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक आरोपी बुरू अग्रवाल को गिरफ्तार किया। वहीं 3 मार्च की रात्रि को बेकाबू समर्थकों और पुलिस की झड़प हुई थी, जिसमें CSP पप्पू भलावी सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रधान आरक्षक दोपेंद्र कावरे की शिकायत पर ग्रामीण थाने में नामदस देवेंद्र वैष्णव कोसमी, शिवम दमाहे सरेखा, राजा कोसमी, कैलाश नकपुरे कोसमी, सुनील कावेर बंदरझिरिया, रामू नागपुरे सहित सैकड़े से अधिक लोगों पर राड, लाठी, डंडा, ईंट पत्थर से लैस होकर पुलिस भर पर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुँचाने और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने पर सभी पर IPC की धारा 307, 147, 148, 149, 353, 332, 109 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया। बालाघाट सुप्रीम पावर न्यूज़ की रिपोर्ट।